हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। सीटेट पास करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ज़रूरी चीज़ क्या है जिससे हम सीटेट को आसानी से पास कर सकें, ज़्यादा पढ़ें या कुछ और करें। क्योंकि मैंने क्या किया सीटेट पास करने के लिए, क्योंकि मैं सीटेट पास हूँ प्राइमरी जूनियर दोनों लेवल का, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं पहली बार में सीटेट दोनों प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाई किया, तो मैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं MGS चैनल, यानी कि मल्टी ज्ञान स्टेशन चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो क्या चीज़ है जिससे हम सीटेट को बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि सीटेट पास करने के लिए हम क्या करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लोगों के मन में ये सारी बातें होती है और लोग जगह जगह से कई बुक्स, मतलब दुकानों से या फिर कहीं से वो ढूंढते रहते हैं कि ये बुक मिल जाए, वो बुक मिल जाए, हम इसमें से पढ़ लें, उसमें से पढ़ लें। लेकिन मैं कहूँगा जो सबसे ज़रूरी बात सीटेट के लिए वो क्या है, मैं आज इसमें बताने वाला हूँ। मैं कहूँगा ज़्यादा बुक्स के बारे में, ज़्यादा बुक्स मत पढ़िए आप लोग। आप लोगों के लिए कुछ, जैसे आप लोग एकेडमिक बुक पढ़े हैं वो ले लीजिए, एकेडमिक बुक अगर आपके पास है तो एकेडमिक बुक ले लीजिए। वो अगर आप पढ़े हैं तो वो तो है ही आपके पास फ़िलहाल, अगर कोई भी आप बुक ले रहे हैं, एक दो कोई भी ले लीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है सीटेट में पास करने के लिए, वो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सीटेट का प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सबसे बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ज़्यादा सीटेट की बुक्स नहीं पढ़ी थी। हाँ, मेरा एकेडमिक जो था, मैंने एकेडमिक की बुक जो थी उसको मैंने ढंग से पढ़ाई की थी। दूसरी बात ये है कि मैंने बस एक एरिहंत की बुक मैंने ली थी प्रैक्टिस सेट के तौर पे, और एरिहंत के एक सॉल्व पेपर लिया था, मैं उसको सॉल्व किया हूँ और पिछले ईयर का पेपर सॉल्व किया हूँ, उसके बाद मैं ये क्वालिफाई कर पाया। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग भी सीटेट का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है सीटेट में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें सीधे सीधे देना होता है, और 12-15 क्वेश्चन जो भी बचते हैं उसका आंसर आपको अपने दिमाग से देना होता है। क्योंकि उसमें मनोविज्ञान पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस हो, पर्यावरण हो या बाल विकास, कुछ भी हो, उसमें ज़्यादातर सीटेट में आता है मनोविज्ञान। तो आपको उसमें से जो क्वेश्चन बचे होते हैं उसमें आपको अपने दिमाग से करना होता है। तो अपने दिमाग से आप करेंगे कैसे, जब आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आपको अनुभव रहेगा हमको किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आपको ये पता रहेगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है सीटेट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे तो बेकार ही होगा। मैं कहूँगा मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि आप एकेडमिक बुक पढ़े ही हैं, और कोई भी एक सॉल्व पेपर ले लीजिए, ढंग से उसकी पढ़ाई कीजिए। लेकिन एकेडमिक बुक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, अगर वो आप पढ़े हैं तो आपका बहुत ही बेसिक मजबूत होगा, और आप सीटेट का केवल प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किया था, इस वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लियर किया है। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी प्रैक्टिस सेट कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट। और हाँ, एकेडमिक बुक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने के बाद आप जब करेंगे इन सारे प्रैक्टिस सेट को, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपको लगेगा हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं अगला भी वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें बुक्स के बारे में बताऊंगा कि बुक्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मुझे इस वीडियो में बताने का यही इरादा था कि आपको सीटेट पास करने की सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करें, और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है सीटेट एग्ज़ाम में। क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अनुभव मिल जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। सीटेट से संबंधित और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। फिलहाल मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें बुक्स के बारे में बताऊंगा, सीटेट 2019 के बारे में बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए और कौन कौन सी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।